हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ परफेक्ट लर्निंग क्लब। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। आप सबको दिख रहा होगा, मैंने नर्वस सिस्टम लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया, हमने सबसे पहला टॉपिक हमने क्या लिया था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को लिया था। क्यों? क्योंकि वो एक इसका बेसिक है जो हम पहले चैप्टर में छोड़ के आए। लाइफ प्रोसेस में हमने उसमें देखा था कि मेंटेनेंस कैसे हो रहा है। यहाँ पर इस चैप्टर में हमने मेन पढ़ना है, हमारा पूरा जो भी आपका नर्वस सिस्टम है उसके बारे में हमने पढ़ना है। मींस आपका ब्रेन हो गया कि कैसे हमारी बॉडी कंट्रोल कर रहा है, कैसे हमारी बॉडी कोऑर्डिनेट कर रहा है, कि हमारी बॉडी उसी की तरह क्या करती है, वर्क करती है, कैसे इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी रिफ्लेक्ट करती है या फिर रिस्पॉन्स करती है, तो वो सब चीज़ें हमने इसमें पढ़नी है। ठीक हो गया बच्चों? आपको जहाँ तक मेरे को लगता है कि आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समझ में आया होगा, एंड इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जरूर पढ़ना, तभी ये समझ में भी आएगा। ठीक है, तो बच्चों आज का टॉपिक है हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, हम सबको पता है, हम सबको ये भी पता है कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेट जो हमारी बॉडी को कर रहा है वो हमारा नर्वस सिस्टम कर रहा है। ठीक है, बट इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट कर रही है, जैसे हमारा मस्कुलर टिश्यूज। नर्वस सिस्टम तो कर ही रहा है, ठीक है, हमारी जो बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, जो कंट्रोलेशन का काम कर रहा है, जो कोऑर्डिनेशन का काम हमारी बॉडी में कर रहा है, वो हमारा नर्वस सिस्टम तो कर ही रहा है। उसके साथ साथ हमारे मस्कुलर टिश्यूज भी इसमें वर्क करती है। राइट, ना क्लियर है? नर्वस सिस्टम तो करेगा ही करेगा, बट उसके साथ साथ मस्कुलर टिश्यूज भी वर्क करते हैं। इतना समझ में आया? अब स्टार्ट होता है बच्चों, एक बात है ना, जैसे हमने कोई एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच करा, फॉर एग्जाम्पल की बात चल रही है यहाँ पे, हमने किसी गर्म बर्तन को या किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को हम टच करते हैं, एंड हमें नहीं पता कि वो गर्म है, क्योंकि हम जानबूझ के तो किसी गर्म चीज को हाथ नहीं लगाएंगे, हम उसको गलती से हाथ लगाते हैं, हम गलती से किसी भी चीज को हम गलती से टच करते हैं, उसी में हम जैसे उसको टच करते हैं ना, हमें पता चल जाता है, हमारे दिमाग तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, हमारे ब्रेन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है कि हमारे लिए वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, एंड हम तुरंत उस चीज़ पे अपना रिस्पांस देते हैं। तो वहाँ पे जो चीज़ पे हम तुरंत रिस्पांस दे रहे हैं उसको बोला गया है हमारा इन्वायरमेंट पे रिस्पॉन्स हम दे रहे हैं, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में चीज़ें हो रही है, इन्वायरमेंट के थ्रू हम रिस्पॉन्स, इन्वायरमेंट के उसमें हम रिस्पॉन्स तो देते हैं, वो हमारे ब्रेन तक जो इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा है वो कैसे हो रहा है, कि हमें ये पता नहीं है कि वो हमारा हॉट ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमने गलती से उसको टच करा, हमें पता, हमारे ब्रेन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है कि वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, तुरंत हम अपना जो हाथ होता है उसको हम अपना एकदम से क्या करते हैं, बैक रिस्पॉन्स करते हैं उस चीज़ के पीछे, एनवायरमेंट में हम रिस्पॉन्स करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, वो आज का हमारा टॉपिक है। समझ में आया? ऐसा क्यों हो रहा है वही आज हमने पढ़ना है। ठीक हो गया? अच्छा देखो, हमें ये नहीं पता कि हम क्या वो हॉट ऑब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी हम उसको टच कर रहे हैं, तो क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे हमारे सेल्स, जो हमारे नर्व सेल्स हैं या हमारा जो ब्रेन है, उसको कैसे डिटेक्ट करता है, एंड कैसे उसके पीछे हम रिस्पॉन्स देते हैं अपना। ये क्वेश्चन सबसे पहले आपका एनसीईआरटी में लिखा गया है कि हम उस चीज को डिटेक्ट कैसे कर रहे हैं, मीन्स हम उस चीज को पहचान कैसे रहे हैं, हमारा ब्रेन उस चीज को कैसे वहां पर डिटेक्ट कर रहा है कि ये हॉट ऑब्जेक्ट है, एंड हम उस पर तुरंत ही रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं, ये हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ। सबसे सिंपल आंसर इसका ये है कि हमारा जो एक नर्व सेल्स है उसका एक डायग्राम बना के दिखाते हैं, उसके डायग्राम में ही मैं आपको पूरा समझा दूंगी, आपको पैराग्राफ में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हमने आप बुक से डायग्राम बना लेना है इसका, मैं खाली आपको समझाने के बेसिस से बता रही हूं। ठीक है, क्योंकि बच्चों देखो पैराग्राफ के, अगर मैं आपको पैराग्राफ के फॉर्म में बताऊंगी तो आप खुद ही समझ में नहीं आएगा कि यार पैराग्राफ तो ऐसा ही है, पैराग्राफ में तो वैसे भी समझ में नहीं आता है ना कुछ भी। ठीक है, बच्चों देखो ये आपको दिख रहे हैं, ये इसका टिप है, एंड जो टिप है ये डेंड्राइट है, ये जो पूरे है ना ऊपर की जो आपको ये ऐसे दिख रहे हैं ओपन सी, ये वाले, ये सारे डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, सेल बॉडी। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, दीज आर ऑल एग्जॉन। ठीक है, तो अब इसी यही पूरे में हमारा सब कुछ बसा हुआ है, जो मैंने अभी बताया ना आपको,
वो सारा का सारा इसी पे डिपेंड है, इसी पे मैं आपको पूरा का पूरा समझा दूंगी। ये आप मतलब आपका ये वो है क्या बोलते हैं नर्व सेल्स है आपको, ठीक है, ये क्या आपके नर्व सेल्स है, ये सिंगल नर्व सेल्स हमारे वैसे बहुत 11 पेयर्स होते हैं नर्व सेल्स के, या आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे बट फिर मैं आपको बता दूं 11 पेयर्स नर्व सेल्स के होते हैं। नर्व सेल्स होते क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे, लेकिन ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होता है, ये हमारे एक नर्व सेल्स है। अब हमने कहा कि हम हमारी जो ब्रेन है वो कैसे डिटेक्ट कर रहा है, सबसे पहले क्या होता है हमने एनवायरमेंट के रिस्पॉन्स से मैंने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, मैंने उस चीज के पीछे तुरंत एकदम रिस्पॉन्स दिया, वो जो मैंने रिस्पॉन्स दिया वो किसकी वजह से हमारे ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंची, ये डेंड्राइट की वजह से। यही जो आपके डेंड्राइट्स हैं यही आपका इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है, इनके टिप में होता है, टिप से क्या होती है इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करती है। अब टिप से ही इन्फॉर्मेशन क्यों ट्रेवल करते हैं, कैसे ट्रेवल करती है वो भी मैं बता देती हूँ कि डेंड्राइट्स का जो टिप होता है, जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं उसका सबसे जो आउटर पार्ट होता है वो हमारा डेंड्राइट होता है। डेंड्राइट की जो टिप होती है वहां पर क्या होता है आपका इन्फॉर्मेशन आपका एक्वायर्ड होती है, वहां पर इन्फॉर्मेशन रहती है, वहां से मूव करती है इन्फॉर्मेशन, मतलब वहां से वो आपके करता है इन्फॉर्मेशन को वहां से कैरी करता है। तो इन्फॉर्मेशन को जो कैरी करता है मतलब मैं हूं और एक सामने वाला इंसान है या दूर का कहीं पे इंसान है, ठीक है, मेरे को उस तक अपनी बातें पहुंचानी, तो जो बीच में जो मैंडेटरी है जो बीच में जो पर्सन है वो मेरे लिए एक रिसेप्टर का काम कर रहा है, क्योंकि वो मेरी बातें उस तीसरे इंसान तक पहुंचा रहा है, तो वो बीच वाला पर्सन क्या है रिसेप्टर है। तो वैसे यहाँ पर डेंड्राइट्स क्या है रिसेप्टर है जो कि एनवायरमेंट की इन्फॉर्मेशन को आगे ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं। तो डेंड्राइट्स यहाँ पर क्या हुए रिसेप्टर हुए, इतना समझ में आया क्या हुए डेंड्राइट्स, बताए तुम एक बार और रिसेप्टर्स, ठीक है, जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन को आगे तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। अब डेंड्राइट्स की टिप में क्या होता है इन्फॉर्मेशन आई, डेंड्राइट की टिप में क्या हुआ केमिकल रिएक्शंस होती है, यहाँ पे क्या होती है जहां पर इन्फॉर्मेशन उसने कैरी करी वहां पर अब वो इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रेवल करेंगे, वहां पर क्या हुआ केमिकल रिएक्शंस होंगे जो कि इलेक्ट्रिक इंपल्स को क्रिएट करेंगे, ठीक है, वहां पर क्या होगा केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रिक इंपल्स को क्रिएट कर रही है, किसको क्रिएट कर रही कहा मैंने इलेक्ट्रिक इंपल्स को, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं इलेक्ट्रिक इंपल्स को वहां पर क्रिएट करती हैं, एंड जैसे यहां पर इलेक्ट्रिक इंपल्स में वो अब वो क्या होती है जो भी आपकी इंफॉर्मेशन थी वो इंपल्स की फॉर्म में ट्रेवल करेंगे आगे को, किसकी फॉर्म में ट्रेवल करेंगी इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में आगे को ट्रेवल करेंगी, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इन्फॉर्मेशन आएगी उसके बाद कहां पे जाएगी आप सबको पता है डेंड्राइट्स के बाद इस जगह पे कौन सा सेकंड पार्ट आ रहा है हमारी सेल बॉडी, तो अब वो इन्फॉर्मेशन जो इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन आई वो कहां जाएंगी सेल बॉडी के पास जाएंगी, सेल बॉडी में इन्फॉर्मेशन जाने के बाद इन्फॉर्मेशन कहां ट्रेवल करेंगी हमारी एक्सॉन के पास जाएंगी। अब क्या होगा जैसी जैसी यहाँ इन्फॉर्मेशन ट्रेवल होती जाएगी इंपल्स की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन ट्रेवल हो रही है ये एक्सॉन पे जाएंगी, एक्सॉन पे धीरे 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 ट्रांसफर होंगी, ठीक है, ट्रांसफर होंगी होंगी होंगी। अब जैसे एक्सॉन की एंड के वहां पर जाएगा क्योंकि ये तो एक न्यूक्लियस है ना, क्योंकि ये तो एक नर्व सेल्स है, एक नर्व सेल है मतलब ऐसे कितने टाइप के नर्व सेल्स है, तो उसने तो एक एक करके सारे नर्व सेल्स तक पहुंचानी बातें तब जाके ब्रेन तक बातें जाएंगी, नहीं तो एकदम से तो ब्रेन तक बातें जाएंगी नहीं, ठीक है ना, एक एक ही नर्व सेल्स तो सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा नहीं, वो सारी की सारी धीरे 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 नर्व सेल्स तक बातें जाएंगी, सारी की सारी नर्व सेल्स पे इन्फॉर्मेशन जाएगी तब उसके बाद वो ब्रेन तक जाएगी। तो एग्जॉन के एंड पे यहाँ पर क्या होगा जितने भी अभी तक इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन चल रही थी अब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन, अब वो सारी की सारी जो इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन चल रही थी इंपल्स क्या करेगा उसको डिस्ट्रॉय करेगा किसकी केमिकल रिएक्शन में चेंज कर देगा। अभी बोलो कि जो इंपल्स है अभी तो इलेक्ट्रिक इंपल्स में चल रही थी अब इलेक्ट्रिक इंपल्स क्या होंगी फिर से चेंज हो जाएंगी किसमें केमिकल रिएक्शंस में चेंज होगी। यहाँ पर जैसे यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस एंडिंग होगी एंड उसके बाद दोबारा से वो किसमें चलने जाएगी आपकी फिर दूसरे डेंड्राइट में टिप में चलने जाएगी क्योंकि डेंड्राइट में जो टिप में जाएगी वो तो केमिकल रिएक्शन होगी ना इंपल्स तो जाएगा नहीं इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में तो डेंड्राइट में इन्फॉर्मेशन जाएगी नहीं यहाँ पर कौन सी इन्फॉर्मेशन आई थी केमिकल रिएक्शन आई थी। तो यहाँ पर क्या होगा एक्सॉन के एंड पे ही क्या हो जाएगा आपका जो इलेक्ट्रिक इंपल्स थी वो केमिकल रिएक्शंस में चेंज जाएंगी एंड उसके बाद वो फिर उसके बाद जो यहाँ पर गैप है उसको क्या करेंगी क्रॉस करेंगे वो केमिकल रिएक्शन क्या करेंगे उस गैप को क्रॉस करेंगे जो यहाँ पर सिनेप्सिस है एक दूसरे के ऊपर जो ओवरलैप हो रही है उसको क्रॉस करेंगी एंड वो दूसरे डेंड्राइट्स के डेंड्राइट्स में फिर से वही चीज चालू चलने लग जाएगी जो चीज इसमें हो रही है वही दूसरे नर्व सेल्स में भी होने लग जाएगी वही आपका दूसरे डेंड्राइट्स में इंफॉर्मेशन वैसी सेम यही प्रोसेस दूसरे डेंड्राइट्स नर्व सेल्स में अगर होने लग जाएगा। ठीक है इतना समझ में आया
अब इसने क्या बोला कि जो हमारे रिसेप्टर्स हैं, जो हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, वो हमारे सेंस ऑर्गन के थ्रू ही हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। हम सबको पता है हमारे सेंस ऑर्गन कौन से, ईयर, नोज, आईज, माउथ, ये सब क्या है हमारे, स्वान, दीज आर ऑल आर सेंस ऑर्गन्स, राइट। सो सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं, कहाँ कहाँ पर जो बेसिकली हो रहे हैं, इनर ईयर में होते हैं हमारे, नोज में होते हैं हमारे, टंग में होते हैं हमारे, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स है जो कि इन्फॉर्मेशन को ले जा रहे हैं। ऐसी जो नर्व सेल्स होती है, जिसकी मैंने कहा कि 11 पेयर्स ऑफ नर्व सेल्स होती है, ये जो नर्व सेल्स होती है ये भी ऐसी है, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टे, ऑक्लुवेटर, ट्राइग्लोमीडिया, गैस्ट्रोट्री, हाइपोकैलेमस, ये सब, ये जो आपके ये होते हैं ना, या कि नर्व सेल्स हैं जो कि आपके इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचाने का काम करती है। तो बेसिकली मैं इन चीज को पढ़ाती, मैं आपको सारे के सारे 11 पेयर्स ऑफ नर्व सेल्स पढ़ा दूं, बट ये आपके कोर्स का नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ। ये हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, जब आप मेडिकल फील्ड को चूज करोगे, या फिर आप जब कोई भी और चीज, मतलब बायो के अंदर आप रिसर्च करोगे, या बायो में ही आपको आगे कोर्स करना है, तभी आप इस चीज पढ़ोगे। वैसे ऐसा नहीं, इसमें आपके इस कोर्स में नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ दो नेम दिए गए हैं, एक है आपका ऑल्फैक्ट्री, एक है आपका गैस्ट्रोट्री, ठीक है। तो ऑल्फैक्ट्री आपको पता होना चाहिए कि स्मेल के लिए होता है, एंड गैस्ट्रोट्री आपका जो है वो टेस्ट के लिए है, ठीक है। यहाँ पर दो ही आपको सेंस ऑर्गन की बात की गई है, पहला ऑल्फैक्ट्री सेंस ऑर्गन, ऑल्फैक्ट्री की बात की गई है, और दूसरा गैस्ट्रोट्री। तो ऑल्फैक्ट्री जो है आपका स्मेल के लिए होता है, ठीक है, एंड गैस्ट्रोट्री जो होता है आपका टेस्ट के लिए होता है, मतलब आपका टेस्ट का सेंस होगा, जो आपका टेस्ट के बारे में आपको ब्रेन को बताता है, ठीक है। अगर आपको यही सेंस होगा, अगर आपका नर्व सेल्स ही वर्क नहीं करेगा, तो आपको किसी भी चीज का टेस्ट नहीं आता है, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा, जब हमें फीवर वगैरह होता है, तो हमारे टेस्ट में कोई भी चीज का टेस्ट नहीं आता, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज नर्व सेल्स, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन वहां तक ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाती है, एंड जब तक ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, तब तक आपको किसी भी चीज का आपको फील होगा ही नहीं, किसी भी चीज का सेंस ही आपको फील नहीं होगा, क्योंकि आपके सेंस ऑर्गन है ना, एंड इन चीज को ये पहुंचा कौन रहा है, इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है ब्रेन तक, तभी तो ब्रेन आपको बताता है कि हाँ, आपको तभी कोई चीज का फील होता है जब आपका ब्रेन आपको किसी चीज का फील कराता है। मतलब ब्रेन आपको किसी चीज का फील नहीं कराएगा, किसी चीज का फील होगा भी नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपको एक नॉर्मल सा छोटा सा एक डायग्राम है, जो कि आपको पूरा का पूरा आपको बताता है कि कैसे आपकी इन्फॉर्मेशन आगे ट्रेवल कर रही है, एंड क्या किस फॉर्म में कर रही है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में कर रही है, कि केमिकल चेंजेस की फॉर्म में कर रही है, केमिकल की फॉर्म में कर रही है, एंड ऐसा कर रही है तो क्यों कर रही है, ये सब मैंने आपको इसमें बताया है, ठीक है। तो आपके बुक में आपको 11 जो नर्व सेल्स हैं, वो भी आपको दो ही दिए गए हैं, कि ये जो होता है, ये गैस्ट्रोट्री जो आपका टेस्ट के लिए है, ऑल्फैक्ट्री जो आपका स्मेल के लिए होता है, ऑप्टिक जो होता है आपका आईज के लिए होता है, जो भी आपको दिख रहा है, जो भी आप फील कर रहे हैं, वो सब कुछ क्या है, इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंच रही है, एंड दैट्स ऑल द रीजन, मतलब यही एक आपका सारा का सारा बोल सकते हैं जड़ है, हमारा ब्रेन एक ऐसी जड़ है जो हमें सारे हमारे, एक छोटा सा एग्जांपल, तो हमारा ब्रेन जो है हमारी एक जड़ है, और हमारा बॉडी जो हमारे पेड़ है, जो कि उस पेड़ को ग्रो करने का काम कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है, मीन्स ब्रेन ही है ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में, जो कि पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन को कैरी करके हमारा जो जो यहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जा रही है, उसके बाद ब्रेन हमारे उन सेंस ऑर्गन्स तक हमारी वो जो हम जो भी हम इन्वायरमेंट की रिस्पांस में जो भी हम क्या बोलते हैं उसको कुछ भी हम चेंजेस ला रहे हैं हमारी बॉडी में, कोई भी चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट की रिस्पांस में, कुछ भी हमारी बॉडी रिफ्लेक्ट कर रही है, रिस्पॉन्स कर रही है, वो सब कुछ हमारा ब्रेन कर रहा है, क्योंकि ब्रेन तक पहले वो इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, उसके बाद हम किसी चीज़ को डिटेक्ट कर पाते हैं, किसी चीज़ के बारे में हम रिस्पॉन्स कर पाते हैं, किसी चीज़ के हम कोई हॉट ऑब्जेक्ट है चाहे कोल्ड ऑब्जेक्ट है, हम एकदम से तुरंत से हम जो रिस्पॉन्स देते हैं, वो सब कुछ हमारे ब्रेन की वजह से होती है, कि ब्रेन तक हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, ठीक है बच्चों। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, एंड धीरे धीरे मैं स्टेप टू स्टेप वाइज आपको पढ़ाई, क्योंकि थोड़ा सा टफ भी आएगा, थोड़ा आपको इजी भी लगेगा, तो स्टेप टू स्टेप वाइज आपके आपको इजीली इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है बच्चों। आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, ये हमारा है नर्व सेल्स, सिंपल टॉपिक है, अभी तक कुछ नहीं, अभी तक सिर्फ हमने नर्व सिस्टम के बारे में बात करी, अब आगे जो टॉपिक आएंगे वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, एंड इम्पॉर्टेंट भी क्या बोलो, मोस्ट टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा मोस्ट टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है बच्चों। सो बेसिक क्लियर करते चलो, तभी आगे सबको समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।